जिसके कलेजे से राज बना है, जिसके कत्ल से राज बना है, आज उसकी माँ भीख मांगेगी। और ये पीएमसी, ये यशवंत सिन्हा, ये जयंत से जयंत सिन्हा, ये संजय से राजा बनेगा। छापिए इसको। हम कहां लड़ते हैं? झारखंडी बोलते हैं, लड़के लिए झारखंड। निर्मल बात तो अमर रहे, सुनील बात तो अमर रहे, और लड़ते हैं कहां? दारू गोदाम में। सरवाल लड़ते हैं कहां? मुर्गी अखड़ा में। लड़ते हैं कहां? तारी गोदाम में। अरे हाँ, बलिया छपरा नवादा भला सरवा छाती में चढ़ के हम रसी एंटी जमीन कब्जा करके 1000 करोड़ रुपया कमाएगा। रे पलस्तरा नहीं हुआ है, एक एमपी का घर है, चलो पलस्तरा नहीं हुआ है, भाई विकलांग है, दवा नहीं मिलता है, साला लोग राज उठ के ले गया। रे राज उठ के ले गया। रे जगह जितने मीडिया कर्मी है, जाके देखिए झारखंड के सुनील महतो का हाल। बोरी माँ 95 साल उम्र हो रहा है, साल भर इंतजार करती है कि कोई आएगा। रीगल मैदान में टुसू का मेला लगा है, उसमें 1 लाख रुपया बचेगा, वो पैसा हमको देगा, उससे हम अपना बुढ़ापा काटेंगे, उससे अपना विकलांग बेटा का इलाज करेंगे। और यहाँ नवादा वाला 500 करोड़ का प्रॉपर्टी बनाएगा, यहाँ यहाँ बलिया का के कोयला का राजा बनेगा। रे इतना कमजोर झारखंडी, इतना कमजोर झारखंडी, चुल्लू पर पानी में खूब मरना चाहिए। अगर खून खोलता है और सही में झारखंडी हो, और तुम्हारा बाप को काट के झारखंड बना है और लड़ना है, तो तारी गोदाम में नहीं, मारी गोदाम में नहीं, वेदांता कोयला का खदान टाटा टिस्को का गेट में लड़िए, उठा के पटक दे। सबसे पहले इस कार्यक्रम में जो भी प्रशासन पुलिस के लोग आए हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप यदि सुरक्षा के दृष्टिकोण से आए हैं, थाना प्रभारी शहीद, हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो लोग ये बोलते हैं कि लड़का तेज है, फर्जी केस में फंसा देंगे, तो पागल मत बनिए। सुनिए जितने शासन प्रशासन में बैठे लोग, यदि आप जनता के लिए हैं, आपको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, लेकिन जो सोचते हैं कि जयराम महतो जनता की आवाज है, दबा देंगे केस से, अरे रांची और दिल्ली हमको रोकिएगा, जुमरा का पहाड़ खाली है, वहां क्या करेंगे भाई साहब? गूगल है, गूगल आपके पास है, हो सके आपने सुनील महतो को नहीं देखा है, गूगल देखिए। अरे बड़का बड़का चौबदाही, यह करिया करिया, ये पागड़ी चौबदाही, एकदम चट्टान नियर शरीर, धूप होकर फारले हमने नियर भाई जी भाई, इतना बड़का शरीर, इतना बड़ा गोल गोल आंख, अगर एको माफिया में देखते लाए, चाहे कोयला माफिया रहे, चाहे जमीन माफिया, छाती ठोक के बोल सकल हो कि दिन के 12 बजे पॉइंट में 1 नंबर कतले सही शख्स लगले सुनील महतो आए के कह तो मोदी जी के नाम लेके वोट मांग तो। अच्छा एक बात कहा तो, ससुर के देख के बेटिया देत रहा कि ओकर दमदा के देख के देत रहा? अच्छा यहाँ में से कितने लोग हैं जो ससुर जी का चेहरा देख के बेटी को देते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। यहाँ कितने लोग हैं जो ससुर जी को देख के बेटी कन्यादान करते हैं? देखो ना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ कई गो हैं जो भाई दमदा के देख के कन्यादान कर रहा? सभी भी, मोटा मोटी सभी। तो सीधा बात है, जब ससुरा के देख के बेटियां ना देखे, तो मोदी के नाम लेके पान खाए वाला पीएम सिंह के वोट कहा देवा? ये मोदी के नाम लेके ये बिरंची महाराज के वोट कहा देवा? ये मोदी के नाम लेके हमने बड़का दा कोका अमर बावरी के वोट कहा देवा? जब ससुरा के देख के बेटियां ना देवा, दमदे के देख के देवा, तो वोट ओकरे दिहा सांसद दमदार रहे। यदि तोर समस्या थाना में है, तो ईमानदारी से बताओ तो कई गो आदमी मोदी जी के टेलीफोन लगाए के बोलभा कि मोदी जी थाना में प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा बात कीजिए क्या प्रभा? नहीं, लेकिन तोर बीच के अगर एमएलए रह तोर बीच की एमपी रह तो फोन कर भी कि जल्दी थाना फोन कीजिए, बटवा बड़ी चाण ले रे कि गलत बोल लियो, गलत बोल लियो कि? इसलिए लीडर उसको चुनिए जिसमें योग्यता हो,
लीडर उसको चुनिए जिसमें काबिलियत हो, लीडर उसको चुनिए जिसमें लड़ने का जिगरा हो। गलत बोल लिया के आज हमने के यहाँ के लीडर क्योंकि बुढ़ा आदमी लगाए और हम बोल रहे हैं कि चुन पकड़ गया कि ज्यादा हमें क्लास नहीं लेते रहे, लेकिन थोड़ा सा बताए थे माननीय पीएन सिंह 3 बार के सांसद रह, पता करे अगर संपत्ति कितना है, बहुत है, पता करे अगर बेटा कहाँ है, हाईकोर्ट में शायद वकील या जज या भी लगे सिखाने सुना लिए, पता करे अगर पुतहु कहाँ है, यानी ओकर बेटी छुआ नाती पुता सब कहां पहुंच गया है। और हमने आज भी 5 किलो चोरा खाते जय मोदी जय मोदी जय पीएम। अब सवाल बनता है कि यदि सांसद पीएम सिंह जैसा नहीं हो, यदि सांसद जयंत सिन्हा जैसा नहीं हो, यदि सांसद सीपी चौधरी जैसा नहीं हो, यदि सांसद संजय सेठ जैसा नहीं हो, तो सांसद कैसा होना चाहिए? सांसद सुनील महतो जैसा होना चाहिए जमशेदपुर। सवाल बनता है जयंत बाबू टाइगर आप बार बार बोलते हैं कि सांसद पीएन सिंह नहीं चलतो, सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी नहीं चलतो, सांसद संजय सेठ नहीं चलतो, सांसद जयंत सिंह ना चलतो, तो बताओ कैसन चलतो? छाती ठोक के बल हो जकर में सुनील महतो जैसा कलेजा, जकर में सुनील महतो जैसा जिगरा रहता, वैसने सांसद झारखंड में चलता। आप कहने पर भी सुनील महतो के नाम कह ले लिए कि भाई सुनील महतो, हाँ हर एक सांसद अलमनी कॉमरेड एके रहे बाबू, कॉमरेड एके रहे जी, अपन पेमेंट भी राष्ट्रपति फंड में दान दे दे। यदि सांसद धनबाद में होना चाहिए तो सुनील महतो या कॉमरेड एके रॉय जैसा होना चाहिए। सुनील महतो जो कलेजा में गोली खाया, एके रॉय जो फर्स्ट क्लास का नौकरी छोड़ दिया, फर्स्ट क्लास टॉप क्लास नौकरी, संसद का पेमेंट राष्ट्रपति भवन में जमा कर दिया। सुनील महतो नाम हम जोर से लेते हैं, कहे बताए मेरा उम्र उस समय हार्डली 12-13 साल था, शायद हम 6ठा-7वां क्लास में पढ़ते थे, होली का टाइम था, लोग घर के बाहर अखबार पढ़ रहे थे कि रे सुनील महतो के मोराए दल थी रही है, तो लीडर एगो तैयार फैलल है जे टाटा से लड़े के क्षमता हलाय, जे विस्थापन के लेके लड़े के क्षमता हलाय, जे कोयला के खदान में लड़े के क्षमता हलाय, अरे मोराए दल थी गोली मार के। यदि यहाँ जानकार लोग बैठे हैं तो आप याद कीजिए, शहीद सुनील महतो अगर जिंदा होते उस समय यूपीए की सरकार थी ना, उस सरकार में वो केंद्र में कोयला मंत्री बनने जा रहे थे, सुने थे कि नहीं? माननीय दुर्गा चरण महतो जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक है, क्या ये सही था कि नहीं कि सुनील महतो कोयला मंत्री केंद्र में बनते? आप सोच के देखिए, अगर सुनील महतो कोयला मंत्री बनते तो झरिया बागमारा बेरमा में जो गुंडा है कोयला का वो पेंट में एक नंबर करता, छाती ठोक के बोलते हैं। गूगल है, गूगल आपके पास है, हो सके आपने सुनील महतो को नहीं देखा है, गूगल देखिए, अरे बड़का बड़का चौबदा ही करिया करिया पागड़िया चौबदा है, एकदम चट्टान नियर शरीर, तू होके फारले हमने नियर भाई जी भाई, इतना बड़का शरीर, इतना बड़ा गोल गोल आंख, अगर एको माफिया में देखते लाए, चाहे कोयला माफिया रहे चाहे जमीन माफिया, छाती ठोक के बोल सकल हो कि दिन के 12 बजे पेटवे एक नंबर कतले सही शख्स लगले सुनील महतो।
साथ मार दिया गया है। और अभी गिना लियो कि पीएम सिंह के बेटा बेटी देख कहाँ हो, अगर नाती पुता कहाँ हो, सुनील महतो के माई कहाँ है पता हो, ओकर एगो भाई विकलांग लग। आज तो खून खोलना चाहे कि जकर रक्त से झारखंड बनल ओकर माई आशे है कि टूसू परब हेतर कि हमारा चंदा आन के दे। आज मीडिया के सम्मानित पत्रकार है, आप छपिए इस गहराई से, जितने भी मीडिया के सम्मानित पत्रकार हैं, मैं आपको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आपको नमन करता हूं। छापिए हमारी इस बात को गहराई से, क्योंकि आज जेएनएम की सरकार है, एक सांसद जिसका हजारों करोड़ का प्रॉपर्टी है, जयंत सिन्हा का 50,000 करोड़ का प्रॉपर्टी है, और सुनील महतो का माँ साल भर इंतजार करती है कि रीगल के मैदान में टूसू मेला लगेगा, उसमें 80,000-90,000 पैसा बचेगा, हमको खाने के लिए दिया जाएगा। हमारे जितने भी सम्मानित पत्रकार हैं, छापिए इसको, जिसके कलेजे से राज बना है, जिसके कत्ल से राज बना है, आज उसकी माँ भीख मांगेगी। अरे ये पीएम सिंह, ये यशवंत सिन्हा, ये जयंत सिन्हा, ये संजय सेठ, इन राजा बनेगा। छापिए इसको, ये नवादा का बिरंची नारायण 500 करोड़ का अस्पताल बनाएगा, 500 करोड़ का अस्पताल बनाएगा रे। छापिए मीडिया वालों, छापिए इस बात को, कहिए सुनील महतो का मां जिंदा है। हम दो बार उनका घर गए हैं, पलस्तरा नहीं हुआ है, एक एमपी का घर है, सिर्फ पलस्तरा नहीं हुआ है, भाई विकलांग है, दवा नहीं मिलता है, साला ये लोग राज लूट के ले गया रे, हमको देगा, उससे हम अपना बुढ़ापा काटेंगे, उससे अपना विकलांग बेटा का इलाज करेंगे। अरे यहाँ नवादा वाला 500 करोड़ का प्रॉपर्टी बनाएगा, यहाँ बलिया का के कोयला का राजा बनेगा रे। इतना कमजोर झारखंडी चूल्हे पर पाने में खूब मरना चाहिए। अगर खून खोलता है और सही में झारखंडी हो, और तुम्हारा बाप को काट के झारखंड बना है और लड़ना है, तो तारी गोदाम में नहीं, मारी गोदाम में नहीं, वेदांता कोयला का खदान टाटा टिस्को का गेट में लड़िए, उठा के पटक नहीं। जयराम महतो जो बोल ले वो बोल सकता है, इतना मीडिया के सामने, लाइव मीडिया, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, किसी एमपी एमएलए को औकात नहीं है जो जयराम महतो बोल दे। हम केवल विधायक बनने नहीं आए हैं, हम एमपी बनने नहीं आए हैं, अगर बनना होता ये मन पापा है अमर बावरी जैसा बीजेपी का टिकट से बन जाते, कांग्रेस का टिकट से बन जाते, हम एमपी एमएलए नहीं बनने आए हैं। झारखंड में जो अत्याचार हुआ है, झारखंड में जो जुल्म हुआ है, उस जुल्म को खुरेदने आए हैं, उस जुल्म का हिसाब लेने आए हैं। प्रशासन पुलिस के लोग आए हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप यदि सुरक्षा के दृष्टिकोण
कौन सा है? थाना प्रभारी। शहीद हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन जो लोग ये बोलते हैं कि लड़का तेज है, फर्जी केस में फंसा देंगे, तो पागल मत बनिए। सुनिए, जितने शासन प्रशासन में बैठे लोग, यदि आप जनता के लिए हैं, आपको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, लेकिन जो सोचते हैं कि जरा मातो जनता की आवाज है, दबा देंगे केस से। अरे रांची और दिल्ली हमको रोकिएगा, जुमरा का पहाड़ खाली है, वहां क्या करेंगे प्रसाद के लिए? विधायक बनने नहीं आए हैं, विधायक बनने नहीं आए हैं, एमपी बनने नहीं आए हैं। झारखंड के साथ जो अन्याय हुआ है, जो जुल्म हुआ है, उसका हिसाब लेने आए हैं, और पाई पाई हिसाब लेंगे। बस आप साथ दीजिए, आप साथ दीजिए, पाई पाई हिसाब लेंगे। आज लोग कहते हैं हम बाहरी भित्री की बात कर, जी नहीं, हम कभी बाहरी भित्री की बात नहीं किए हैं, हम झारखंड में झारखंडियों के अधिकार की बात किए हैं। आज जो लोग कहते हैं कि धनबाद बोकारो में भोजपुरी का लेकर विवाद शुरू हुआ था, हमने शुरू में कहा कि बिहार की सीमा से जो बॉर्डर लगता है, उत्तर प्रदेश की जो सीमा से जो बॉर्डर लगता है, वहां भोजपुरी बोलने वाले हो सकते हैं, धनबाद बोकारो में मूलवासी कोई नहीं बोलता है। जिनको लगता है ये बाहरी भित्री की लड़ाई है, मैं पूरे आंकड़े के साथ कहता हूँ, महाराष्ट्र में लगभग 20 लाख भोजपुरी बोलने वाले हैं। जाइए ठाकरे से भोजपुरी की मान्यता लेके आइए। बंगाल में भी 15 लाख भोजपुरी बोलने वाले हैं, जाइए दीदी से मान्यता लेके आइए। झारखंड बाबा जी का ढाबा है, झारखंड बाबा जी का ढाबा है। यहाँ फल्ला बोलने वाले हैं, यहाँ चिल्ला बोलने वाले हैं, ये बाबा जी का ढाबा है। हम किसी भाषा का विरोध नहीं करते हैं, हर भाषा का एक क्षेत्र होता है, हर भाषा का एक भूमि होता है, हमने किसी भाषा का विरोध नहीं किया है, लेकिन कोई भाषा अगर थोपा जाएगा जो हमारी नहीं है, उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमने चिड़िया को कभी गाने से नहीं रोका है, आप अपनी भाषा में गाइए, बात कीजिए, हम स्कूल कॉलेज में मान्यता नहीं देंगे, उसके खिलाफ है। अरे आप गुजराती बोलिए, मराठी बोलिए, तेलुगु बोलिए, तमिल बोलिए, भोजपुरी बोलिए, मगही बोलिए, अंकिका जो भी है बोलिए, बोलने के लिए किसी ने मना नहीं किया है। हमारी जो सरकारी मान्यता कहते हैं, जिसको हमारे स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई जाती है, जहां कंपटीशन के एग्जाम में लिखा जाता है, हम वहां मान्यता देने के विरोध में है। चीजों को समझिए। अब बात आती है 1932 का हथियार की। बात आती है 1932 के खतियान की। लोके बोलो हथौन, ये अंग्रेजों के टाइम का कानून है, नहीं चलेगा। ये 1932 अंग्रेजों का कानून है। तो चलिए वो सुंदर उदाहरण, अभी अभी अयोध्या में राम जी आए हैं, ये कब का मामला था? 1528 का। समाधान कब हुआ? 2019-20 में। किसने किया? सर्वोच्च न्यायालय, लोकतंत्र ने। जब मुगल काल की समस्या का समाधान लोकतंत्र से, संविधान से, तो 1932 अंग्रेजों के टाइम का समस्या क्यों नहीं समाधान होगा? लॉजिकली बात कीजिए ना, लॉजिकली बात कीजिए, क्यों समाधान नहीं होगा? और आप बोलते ही अंग्रेजों का कानून है। चलिए हम पूछना चाहते हैं, बोकारो में कलेक्टर है कि नहीं है? डिप्टी कलेक्टर है ना, डिप्टी कलेक्टर, कोई गलत
बात नहीं बोले। इसलिए आज जितने भी लोग आए हैं, मैं इनको साफ साफ कह दूं, हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं है। आज बोल रहे थे कि ना किधर में भारी भित्री कर रहा हो, ले सीजीएल के परीक्षा रद्द भाई गलो पटना से ले। बोल रहे थे ना, अरे छोड़ा तो महतो घर के लगो, खुणमी घर के लगो ले। कमे गले पर हम ऋषि अखिलेश रॉय तो और सामाजिक लोग के परीक्षा रद्द ना बेलो की हो। अर्जुन राजवर्धन परीक्षा रद्द नहीं भले कि हमारे किधर घर खाली महात्मे के परीक्षा रद्द भले ले। जयराम महतो एक जात का बेटा हो सकता है, नेता जमात का है। यदि हम कहें कि किसी जात का बेटा नहीं है, यह गलत बात है। सबकी अपनी जाति है, 3000 साल से व्यवस्था है। कोई ब्राह्मण है, कोई भूमिहार है, कोई राजपूत है, कोई कोयरी है, कोई कुर्मी है, कोई तेली है, कोई अंसारी है, कोई अख्तर है, कोई रजवार है, कोई रजक है, कोई बावरी है, कोई संथाल है, कोई मुंडा, कोई उराव है। हम एक जात का बेटा है लेकिन नेता जमात का है, क्योंकि हमने जो बात उठाया है, हमने विस्थापन का मुद्दा उठाया है, विस्थापन का जात नहीं होता है। हमने पलायन का बात उठाया है, पलायन का जात नहीं होता है। हमने स्टूडेंट का बात उठाया है, स्टूडेंट का जात नहीं होता है। हमने जमीन अधिग्रहण पर बात उठाया है, जमीन अधिग्रहण का जात नहीं होता है। हाँ, हम एक जात का बेटा हो सकते हैं, नेता जमात का है। इसलिए आज परीक्षा ले पटना से। धनबाद में 26 को बच्चा का बहाली था, नेतरहाट में यूपी बिहार वाला कब्जा कर लिया है। हमें यूपी बिहार से कोई शिकायत नहीं है, उनके हिस्से में जो हिस्सा है उसमें पुदीना लगाए, धनिया लगाए, खाए कमाए, कौन मना किया है। इधर हमारा हिस्सा लगाए, परती रद्द तो तौर की रे, परती भी रद्द तो तौर की। क्या गलत बोले भाई, जितने बुजुर्ग लोग हैं बताइए, आप लोग जमीन का बंटवारा करते हैं कि नहीं मीटिंग में? तो दो भाई में यदि जमीन का बंटवारा होता है, बीच में जो सियार हम नहीं देते, सियार ना, कोई यार बोले, कोई सियार बोले, हाँ आयर बाबा आयर सियार, किस लिए देते हैं? कि बड़ा भाई सेपरेट, छोटा भाई सेपरेट। तो ठीक उसी प्रकार 54%